Hey guys, it's me, Mr. Gareth. Welcome back to us. And so guys, कैसे हो आप लोग भाई? फुली बहुत ही अच्छे होंगे. सो गाइज, आज है मंडे. जैसे कि आपको पता ही है कि हर मंडे हमारा एक न्यू व्लॉग आता है. सो गाइज, इस मंडे जो हमने एक ऑलरेडी व्लॉग बना दिया है, इसी जगह व्लॉग बना है, लेकिन जो इस व्लॉग में बातें करने वाला है वो उससे थोड़ी अलग है. तो गाइज, इस व्लॉग को पूरा जरूर देखना अगर आप गैलाबाद से बिलोंग करते हैं या फिर अदरवाइज बाहर के आसपास के गांव के भी हैं, तो इस व्लॉग को पूरा जरूर देखना. तो गाइज, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं. अभी मैदान के अंदर ही खड़े हैं हम. तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो गाइस हमने जो पहले व्लॉग बनाया था उसमें और इस व्लॉग में क्या अंतर है वो आपको बता देता हूँ. तो गाइस, सबसे पहले तो आपको कुछ जगह बता देता हूँ जो कि उस व्लॉग में अलग थी और इस व्लॉग में अंदर है, और क्या क्या डिफरेंस से आया है इस एक दो हफ्ते के अंदर ही, तो वो आपको बताते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये देख पा रहे हो, ये तो बाहर की साइड है, ये छोड़ो. ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो हमारा जो प्ले ग्राउंड है स्टार्ट होता है. तो गाइस देख सकते हो, अभी आपको एक पहले की फोटो बताता हूँ और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए. देख सकते हो यहाँ पर, देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास थी, लेकिन अभी वो घास नहीं है क्योंकि मैदान को पूरा इक्वलाइज किया गया है. यहाँ पे देख सकते हो आप, और आपको एक एक करके एक दो और डिफरेंस भी बताऊंगा जो कि बदलाव आए हैं इस एक दो हफ्ते में. ठीक है, तो देख सकते हो, और हमारे साथ राजेंद्र सिंह भी हैं, और बाहर का भी कुछ है जो वो भी डिफरेंस आया है, और अभी तक कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ यहाँ तक ही होगा. तो गाइस, अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन वो भी करवाएंगे. उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि उस व्लॉग में जो चीज़ें थी इस व्लॉग में नहीं है, क्या क्या डिफरेंस है मैदान के अंदर, तो बताते हैं. तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा. बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के अंदर. तो गाइस, वो ये भी पहले जैसे ही डिफरेंस है जो पहले इस टाइम में आपको बताया था मैंने, तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे. देख सकते हो मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने रानू सिंह से पूछा था जो सवाल, ठीक है, वो वाले. और पीछे की तरफ देख पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा घास थी, अभी वो घास नहीं है. दूसरा डिफरेंस तो हमारा ये हो गया, और अभी चलते हैं हम तीसरे डिफरेंस की ओर. सो गाइज, ये हमारा थर्ड डिफरेंस है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ. तो गाइज देख सकते हो, यहाँ पे भी एक मैंने व्लॉग शूट किया था जहाँ पे मैंने शेर सिंह खड़े थे यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने जैसे ही राउंड किया था तो पीछे की तरफ बहुत सारा घास थी. और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो बताऊँगा, यहाँ पर जो बबूल के पेड़ थे बड़े बड़े, और यहाँ से पूरा रास्ता है पूरा ब्लॉक हो गया था. लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी भी ब्लॉक है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है, तो वो भी होगा, तो वो भी आपको कभी न कभी आप मेरे ब्लॉग में बता ही दूंगा. बस अभी बढ़ते हैं फोर्थ डिफरेंस की ओर. अभी बता रहा हूँ फोर्थ डिफरेंस, देख सकते हो वो सड़क देख पा रहे हो. पिछले ब्लॉग में मैंने यही बताया था कि वहाँ पे एक सड़क है, लेकिन बबूल के ज़्यादा पेड़ होने की वजह से आपको सड़क क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी. सो गाइस देख, अभी देख पा रहे हो कितनी क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ डिफरेंस हमारे यही है कि जो वहाँ पे जो सड़क के आसपास जो बबूल के पेड़ थे वो अभी पूरी तरह से कटाई की गई, उस तरफ के नहीं गए, लेकिन इस तरफ के जो भी थे जो मैदान के अंदर आ रहे थे वो वाले. और आसपास देख सो, यहाँ खाई के आसपास भी बहुत ज़्यादा सफाई की गई है, और यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो. और अभी आपको एक फिफ्थ डिफरेंस बताता हूँ जो कि है बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूर देखना आप. गाइज, हमारे फिफ्थ डिफरेंस की ओर जा रहे हैं. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला. देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से. ये पता नहीं किस वजह से किया गया, लेकिन देख सर अच्छे के लिए किया गया होगा. यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी वो रोड, जोर से देख सकते हो यहाँ पे एक और रोड आ रही है जो कि कच्ची रोड है. एंड देन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, खाई खोद दी गई है. एंड इसके आगे मैंने एक और देखा है, तो वहाँ पर भी चलते हैं एंड देन देखते हैं. सो गाइस, अभी वहाँ पे चलते हैं हम लोग. गाइस, अभी हम जा रहे हैं सिक्स्थ डिफरेंस की ओर जो कि इस रोड के रिलेटेड ही है. तो यहाँ पे हम अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि यार आपको पता ही है कि हम राय देंगे तो यार कमेंट में उल्टा सीधा बोलेंगे कि भाई तू कौन होता है ये कहने वाला, और तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटा है, पढ़ाई कर. गाइस, इसलिए मैं कोई राय नहीं देने वाला हूँ, लेकिन उन लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि जो इस ऐसी बातों पे जो राय देते हैं उन लोगों से कहना चाहूँ भाई लोग मेरी मर्जी. सो गाइस, अभी हम सली रहे थे कि राजेंद्र सिंह ने बोला कि जो यहाँ पे ये रास्ता बंद ब्लॉक किया हुआ है ना यहाँ पर वहाँ से. सो गाइस, ऐसा नहीं है कि बस ब्लॉक कर दिया छोड़ दिया, नहीं. तो हमारे गाँव के युवाओं ने ये भी सोचा है कि भाई अगर इस तरफ यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी एक रास्ते हैं, तो वहाँ पर भी जो रोजाना आते जाते हैं लोग, तो उनके लिए भी सोचना ज़्यादा ज़रूरी है. तो देख सकते हो यहाँ पर भी जेसीबी से एक रास्ता भी बनवा दिया गया, देख सकते हो ये यहाँ पर. तो इस रोड से यहाँ से सीधा नीचे होके जो वहाँ पे देख पा रहे हो वहाँ पे अभी हम चलते हैं, वहाँ से वापस इसको अटैच कर. यहाँ पे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसी गाड़ी चलेगी तो ठीक हो जाएगी, रोड जैसी रोड बन जाएगी.
ये काम है गाइस, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मैदान के पास में, बिल्कुल पास में ही है जो ये रोड है। तो यहाँ पे जब रात को ऐसे लोग आते हैं, शराबी वगैरह बोतलें वगैरह फोड़ते हैं वहाँ पर, तो मैदान को थोड़ा खतरा हो जाता है, मतलब जो कांस वगैरह बिखर जाता है यहाँ पे पास में। सुबह जो लोग रनिंग के लिए आते हैं तो उनके पैरों में वगैरह आप समझ पा रहे हो ना, तो इसी वजह से ये काम है गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो ये काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रास्ता वापस अटैच हो रहा है। यहाँ पे बाइक्स को चढ़ाने उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, शायद तक हो सकता है। यहाँ पे जो कच्ची रोड बना दी जाएगी, अभी तो सिंपल है, कच्ची रोड भी बनाई दी जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो, जो वहाँ पे एक तो आपको ब्लॉक किया था, एंड देन यहाँ पे एक दूसरा और ब्लॉक किया हुआ है, तो देख सकते हो आप। सो गाइज, ये आपको बता दिया, अब बढ़ते हम 7th डिफरेंस की ओर, जो कि इस मैदान में बदलाव आया है। जब हम वापस जा रहे हैं रोड के पास, कुछ राजेंद्र सिंह बोले और भी कुछ बताना है, तो वहाँ पे राजेंद्र सिंह भी बताएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है जो अभी भी ठीक है या फिर गलत है। पे देख पा रहे हो, ये है सड़क जो कि मैंने उस ब्लॉग में नहीं बताई थी, और मैंने सोचा सिर्फ इस तरफ ही जो बबुल की कटाई की गई है, देख सकते हो गाइज, यहाँ पर भी देख सकते हो कटाई की गई है, ये देखो। तो गाइज, ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको बातें, अब राजेंद्र सिंह कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है राजेंद्र सिंह, बोलिए। अब बहुत ही अच्छा काम हुआ है कि इधर से जब कोई वाहन आते थे ना, तो ज़्यादा पेड़ पौधे थे, इसलिए सामने वाला वाहन दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आगे मोड़ है, बहुत खतरा था एक्सीडेंट होने का। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है गाइज कि ये सारे पेड़ वगैरह यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो गाइज देख सकते, राजेंद्र सिंह ने बता दिया कि बहुत ही अच्छा काम किया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं पहले भी हुआ होगा, लेकिन हमने बस ये पहली बार देखा है कि गांव में इतना विकास का काम हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ और भी हैं जो बातें हैं, अभी जैसे कि मैंने स्टेप आपको सबको बता दिए, अब जब पिच के बारे में बताऊंगा तो वहां पे चलते हैं, देखते हैं और आसपास जो क्या क्या बदलाव आए हैं वो भी आपको बताएंगे। सो गाइस, अभी चलते हैं वहां पर, एंड देन देखते हैं। जब हम जा रहे हैं पिच की ओर, तो देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो एक सप्लाई है पानी की, तो लीक हो गई है, तो वहाँ से ये पानी गिर रहा है। तो हमारे गांव के युवाओं ने ये भी सोचा है कि यहाँ पर भी एक नल लगवाएंगे, क्योंकि इसके देख सकते हो यहाँ जो प्ले ग्राउंड है, आसपास कहीं भी कोई नल वगैरह नहीं है, तो किसी को प्यास लगेगी, कोई ज़रूरत होगी एमरजेंसी, तो यहाँ पे बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अभी देख सकते हो ये है, शायद यहाँ से लीक है, कहाँ से, यहीं से ना, यहाँ से लीक, तो ये भी हो जाएगा आने वाले समय में। अभी सो गाइज, गांव का जो बजट इकट्ठा हुआ है ना, ऐसा लगता है कि ये भी काम आने वाले समय में आपको दिख जाएगा, क्योंकि गांव के युवाओं ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो मैदान के लिए जो राशि दी है, ऐसा लगता है कि हो जाएगा। हमने भी दी है, मिस्टर गलाउस ने भी दी है राशि, राजेंद्र सिंह ने भी दी। आपने कितने रुपये दिए? 201 हमने भी दिए हैं। सो हमारी टीम ने लगभग सब ने 201 ही दिए, क्योंकि जितना हमारा बजट होगा हमने दे दिया है। और ऐसे नहीं है कि बस हम ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं, आपको लिस्ट भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर ही। तो ये देख सकते हो क्रिकेट के लिए बनाया गया। अभी ये पिच भी देख सकते हो गाइस, थोड़ी मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ी हालत ख़राब है, तो शायद तक ये भी ठीक हो जाएगी, तो अभी तो नहीं हुई है, यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में जब हम आए थे तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा घास थी आसपास। अभी गाइस सच में अभी प्ले ग्राउंड लग रहा है, उस टाइम प्ले ग्राउंड नहीं लग रहा था, अभी प्ले ग्राउंड लग रहा है। तो गाइज, ये काम मुझे और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो गाइज इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। गाइज अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम जब वीडियो स्टार्ट किया था, जैसे कि बोला था मैंने कि अपनी कोई राय नहीं देंगे हम, तो गाइज ये बात कहना चाह रहा था मैं कि जो बजट दे रहे हैं ना, वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, बजट दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हमारे गाँव में ऐसे भी लोग हैं जो लोग बजट नहीं दे रहे, साथ ही साथ में वो लोग हमें भी सुना रहे हैं कि भाई क्या कर लोगे, क्या यहाँ मैदान में क्या कर लोगे, ये बजट लेके क्या खाओगे, मतलब जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और दूसरों को भी कुछ कर नहीं रहे। अगर भाई, उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, अगर भाई अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो, क्योंकि जो मोटिवेट होगा वो अपनी तरफ से अपना जो भी बजट होता है वो इस मैदान के फंड में दे देगा। और जैसे कि आप डीमोटिवेट कर रहे हो तो लोगों को लगता है, उनको भी थोड़ा बहुत शक होता है ना कि भाई क्या करेंगे मैदान में, क्या हमारी भलाई है नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट के लिए हो रहा है, यहाँ पे कोई भी खेल खेल सकते, जैसे कि फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो सुबह रनिंग के लिए आते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और
जो भी खेल हो सकते हैं आप यहाँ खेल सकते हो, और राइडिंग वगैरह वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मंजूरी भी दे दिया इन्होंने। तो गाइज ये काम बहुत अच्छा होता है, और उन लोगों को बस यही जवाब देना था। सो गाइज बस, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय मनासा की।